मन में विचार कर रही है। कुआरी बिटिया स्वागिन पति पाई सुहागिन बन जावे, ओ बेठी बेठी घर अपने मोरा की मन विवाह तय करूंगी, वो आज ही अपने पति को भी अपने घर बुलाऊंगी। भीष्म को बुलाया अपने दासी को भेज कर और ये कहा कि हमारे पति को हमारे पास जल्दी से बुला के ला, हमें जरूरी बात करनी है। जब भीष्म अपने पत्नी के पास गए हैं तो वो पत्नी अपने पति का सम्मान करती है और एक बात कहती है, महाराज आप घर में कुछ भूल रहे हो। क्या भूल रहे हैं? सब ठीक ठाक चल रहा है भाई, कोई काम नहीं बिगड़ रहा है, सब लोग ठीक है, दरबार भी बढ़िया है, क्या भूल रहे? बोले तुम भूल रहे हो, घर में ही भूल रहे हो। क्या भूल रहे हैं? तो बोले अरे मेरी बिटिया घर में बोली है वो माँ, अरे मेरी समाज में सम्मान हो, इज्जतदार हो लोग, जहां अपनी बेटी का विवाह किया जाए। जो भीष्मक ने ये शब्द सुने तो भीष्मक बड़े खुश हुए, आज तो तुमने हमारे मन की बात ही कही है, ओ हम तो बिल्कुल भूल ही गए थे। आप चिंता ना करो, आज ही जाऊंगा और आज ही अपनी बेटी की शादी भी पक्की करूंगा, आप निश्चित रहो। और इधर जब ये कहा कि आज ही शादी पक्की करेंगे तो पत्नी बोली हमें पता था, हमें पता था तुम हमारी बात कभी नहीं डाल सकते महाराज, हमें विश्वास था। मेरे कीने से तुमने अभियान नहीं किया, बोली मेरे बोले पिया जी, मेरे बोले पिया, मेरे बोले पिया जी, मेरे बोले पिया। बोली मुझे यकीन था, मुझे विश्वास था, आप मेरी बात डाल ही नहीं सकते हो, मुझे पता था।
है महाराज ने आपने सिंतरा, हम अभी जा रहे हैं दरबार में, वो अभी अपनी बेटी की शादी भी पक्की करेंगे। चले गए महाराज घर से दरबार पहुंचे, और दरबार में जिस समय पहुंचे हैं श्रोताओं, अब भीष्मक ने दरबार में गद्दी पे बैठ करके सबसे कहा, देखो भैया आज दरबार के जितने भी काम हैं कोई काम नहीं होंगे, आज हम सब काम बंद कर रहे हैं और सिर्फ एक ही बात पे फैसला होगा, वो भी हमारी बेटी रुक्मिणी की शादी। और आज हमारे दरबार में कोई छोटा बड़ा भी नहीं है, सबको बराबर बोलने का कहे, और ये फैसला हम अकेले भी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये शादी वाली बात है, आप सब लोगों से पूछना चाहते हैं, आप सब लोग हमें ये बताओ, कोई ऐसा घर बताओ, कोई ऐसा वर बताओ जो देखने में सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में लोग इज्जत करते हो। अब जिसके जो दिमाग में आया उसी ने